वैष्णव संप्रदाय के राजीव भूषण महाराष्ट्री, जिनका वल्लभ कुल से भी प्रगाढ़ संबंध है और हम तो उनको अपने बीच पाकर बहुत आनंदित हैं। महाराष्ट्री, हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग अपनी परंपरा को एक जीवित परंपरा कहते हैं, तो उसका क्या अर्थ है? देखिए, आप जीवित परंपरा भी कह सकते हैं और एक ये पारिवारिक हमारा जो संत समाज कहिए आप एक तरह से, वो हम उस समाज से बिलोंग करते हैं। देखिए, अन्य जितने भी संप्रदाय हैं उसमें गुरु के बाद एक नए गुरु का जन्म होता है, वो चाहे शिष्य के रूप में हो चाहे उनका अनुयायी हो, लेकिन हमारे यहाँ एक पारिवारिक रूप से ये रिश्ता चलता चला आता है। और ये समझिए करीबन 600-700 साल पूर्व से हम लोग इस परंपरा को, हाँ, भक्ति काल से इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं। जब मुगल शासन काल था तब से हम इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं। और हम भट्ट, मेरा नाम संजय भट्ट के नाम से भी लोग जानते हैं मुझे। और दूसरा क्या है, भट्ट तेलंग और जो ये गोस्वामी और जितने भी ये हमारे मंदिर हैं, ये एक बहुत नज़दीक का रिश्ता हम लोगों का होता है, क्योंकि हम, हमारी लड़कियां वहाँ शादी करती हैं, वहाँ की लड़कियां हमारे आती हैं, तो ये बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है। और ये अभी का नहीं है, हमारा पारिवारिक है, 600-700 साल पुराना परिवार है, बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद अचानक कोई फिल्म की बात होती है, कुछ चर्चाएं होती हैं। जी जी जी, मैं उसके बारे में पूछना चाहती थी कि हाँ, जो फिल्म महाराज के, वो तो मुझे लग रहा है आप इसीलिए मेरे सामने आई हैं। 2021 में बनी थी और अब इसको चुपचाप रिलीज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। एक ओटीटी चैनल पे, बहुत प्रसिद्ध ओटीटी चैनल है जिसे भारत सरकार सब्सिडी भी देती है, और ये विदेशी ओटीटी चैनल है जिन्हें इस तरह की सब्सिडीज मिलती है। और अधिकांशतः हम देखते हैं कि या तो वहां पर एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदुइज्म की जो फिल्म है उनकी भरमार रहती है। उसी कड़ी में हमें पता चला आपके विचार की ये जो फिल्म महाराज आ रही है, जिसमें आमिर खान के जो बेटे हैं जुनैद खान, वो लॉन्च हो रहे हैं, इसके प्रति आपका क्या विरोध है और आपने क्यों कहा ये कि इसको बैन होना चाहिए, इसकी स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए? देखिए, विरोध हमारा फिल्म के प्रति नहीं है। विरोध तो क्या है, फिल्म तो हजारों बनती है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कॉन्सेप्ट पे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी, ये समझिए आज की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर पिक्चर बन रही हैं। लेकिन आप अचानक अभी क्यों, अचानक सबसे पहले अभी क्यों वाला प्रश्न हमारे सामने आता है कि अभी तक जब हम पिछले 650-700 साल से एक परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं, जीवंत परंपरा चल रही है हमारी, और उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं जहाँ हमारा जो रिश्ता है वो रिश्ता हमारे जितने भी अनुयायी हैं, हमारे भक्त हैं, उनसे एक बिल्कुल पारिवारिक रिश्ता बना हुआ है। उस रिश्ते में खटास डालने के लिए आप एक कोई एक पुराना कोई केस निकालते हैं जो भी एक अंग्रेजों के समय हुआ था। आप अंग्रेजों के समय क्यों, मुगल के समय जाते हैं, वहाँ भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा, तो जब धर्म को तो ख़त्म करने के लिए हर एक ने कोशिश की थी, मुगलों ने भी बहुत कोशिश की, आपके बाद अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए एक कोई केस होता है, उस केस में कहानी बनाई जाती है, उस कहानी का एक अंग्रेज जजमेंट देता है। जो परंपरा है उसको कलुषित करने का जो प्रयास था वो तो सफल नहीं हुआ, लेकिन जब वो प्रकाशित हुई तो उसके विरुद्ध, उस प्रकाशित करने वाले लेखक के विरुद्ध जो मानहानि का दावा था, उसमें जरूर ऐसा हुआ कि भाई उनको कुछ जुर्माना भरना पड़ा, तो लेकिन परंपरा को क्रिमिनलाइज नहीं किया गया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस फिल्म में वो कोशिश की जा रही है, आपको ऐसा लगता है? देखिए, जितनी व्यवस्थाएं बनी होती हैं, जैसे कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो कि खराब करने के लिए बनी होती हैं, कुछ व्यवस्था होती हैं जो आपको सुधारने के लिए बनी होती है। जो ये लोग किसी एक नए तरीके का भ्रमित कर रहे हैं लोगों को, एक नए जाल में फंसा रहे हैं, अब उसमें जो भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि धर्म कभी ख़त्म नहीं होता, वो एक बहुत लंबे समय तक चलता है। और हम जो हैं जिस धर्म को लेकर, सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सनातन धर्म में भी आप लोग वैष्णव संप्रदाय और शुद्धाद्वैत वेदांत को लेकर आप लोग जो चल रहे हैं, और इस प्रकार का उसके ऊपर आघात करना, आपको नहीं लगता कि ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है इंटरनेशनल? क्योंकि देखिए, आजकल देख रहे होंगे आपकी भगवत गीता जी का जो है प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, कृष्ण भक्ति का भी प्रचार प्रसार न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। तो सबसे बड़ा जो आपका जीवंत परंपरा है यहाँ पर स्थापित, करोड़ों आप लोगों के अनुयायी हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि उन करोड़ों अनुयायियों को बांटकर किसी और तरफ ले जाया जाए? देखिए, जितनी बात
अगर मैं यही बात अपने मुख से बोलता जी। तो लोग कहते हैं कि महाराज अपनी बात बोल रहे हैं। ये बात आप हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति को मालूम है। कुछ लोग खुलकर बोलते हैं, कुछ दबे स्वर में बोलते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि जब भी किसी चीज़ को दबाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि वो एक छोटी सी बात को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए वो बहुत बड़ा अहम रोल निभा रहा है। पर आप अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहे हैं? ये जो भक्ति युग से आरंभ हुआ आपकी जीवन की परंपरा तो देखिए स्थापित है, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? देखिए एक बात बताता हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं थोड़ा देश के बाहर ही रहा हूँ और रहता हूँ, लेकिन अभी जब ये प्रॉब्लम्स आई और जो ये इसकी तो बात नहीं करता हूँ मैं इससे, ये तो चलो ये तो बहुत छोटा सा, जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके बहुत सारी अटकलें आती हैं, बहुत सारे रोड़े अटकते हैं, लेकिन सच्चाई इसमें सबसे बड़ी ये आती है कि अभी मैं कुछ धर्म जो शुरू हुआ 600-700 साल पहले जो धर्म शुरू हुआ था उसमें संप्रदाय बेसिकली, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये निकल कर आएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि समय के अनुसार कुछ बदलनी चाहिए थी। जो देखिए वो एक मुगल शासन काल था, हमारे रहने का तरीका अलग था, हमारे बात करने का सोचने का तरीका बहुत अलग अलग चीज़ें थी। उसके बाद आप समझिए 650 साल से जो परंपरा चली आ रही है उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं जो समय के अनुसार होते रहे हैं और कुछ परिवर्तन की और गुंजाइश है उसके अंदर। तो मैं उसी चीज़ को बहुत लंबे समय से पिछले 8-10 साल से ही सोच रहा था कि कुछ उसमें परिवर्तन किए जाए। और जो आज की जो युवा पीढ़ी है जो थोड़ा सा ये समझिए कि आज धर्म से थोड़ी भटकाव हो रहा है उसका, और जो अन्य धर्म के लोग हैं बल्कि हमारे अन्य संप्रदाय के लोग हैं वो उनको कुछ नई नीति समझा रहे हैं, नई बातें बता रहे हैं, उन सबको देखते हुए मैं भी कुछ परिवर्तन में दिमाग ला रहा हूँ और जल्दी ही कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा जो कि धर्म को अच्छे ढंग से आपके सामने ला सकें। और जल्दी एक अभी थोड़ा सा हमारा ट्रायल चल रहा है, एक आनंद प्रज्ञा कर हम लोग एक OTT एक आनंद प्रज्ञा कर हम एक OTT चैनल लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर आप ये समझिए कि हमारे ऊपर एक ईश्वर की बहुत बड़ी अनुकंपा रहती है। तो उसमें बहुत से ऐसे कविताएं हैं, बहुत से ऐसे प्रवचन हैं, बहुत से ऐसे मुक्तामणि हैं, तो अलग अलग नाम से हैं उसके अंदर जो कि आपको देखने को मिलेंगी, समझने को मिलेंगी। महाराष्ट्री आपके हमको साक्षात दर्शन होते हैं, आपकी वाणी सुनने को मिलती है या आपने भी अपने किन्हीं शिष्यों को नियुक्त कर दिया है? देखिए जब आप उस चैनल के अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलेंगी, तो आप ये समझिए। तो ये OTT चैनल है आपके साथ? हाँ जी। यानी इसमें भी धर्म के विरुद्ध जो षड्यंत्र है उसके काउंटर में आप लोग भी कोई ऐसी चीज ओवर द टॉप? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने धर्म को हमको आगे बढ़ाना है। जो अभी धर्म के खिलाफ जो कुप्रचार किया जा रहा है उस धर्म को एक अच्छे दिशा लाकर लोगों को उसकी जानकारी देनी। इस फिल्म के प्रति आपका जो ये है सोचना कि इसका स्ट्रीमिंग बैन होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि परिवार पर आएगी तो मैं जरूर बोलूंगा, क्या इस तरह का भावना? नहीं, धर्म पर आएगी तो मैं जरूर बोलूंगा, ये परिवार की भावना का मामला नहीं आ रहा। देखिए परिवार तो हमारे 700 साल से हम कर रहे हैं उस चीज को, ऐसा नहीं है कि हम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम रुके हुए हैं। और हमने जब धर्म की स्थापना की थी, जब हमने शुरुआत की थी अपने संप्रदाय के लोगों को बताया था इसके बारे में, तो आप ये समझिए कि आज इतनी पीठ है, करोड़ों शिष्य, करोड़ों लोग हमको पसंद कर रहे हैं, और आप देखिए लाखों लोग श्रीनाथ जी के मंदिर में आते हैं, अनुयायी हैं हमारी, जो हमारे जो पूर्वजों ने, हमारे जो लोगों ने जो बातें उनको बताई वो बातें वो मान रहे हैं, आज तक मान रहे हैं, ठीक है ना, उन धर्म ग्रंथों का वो आगे तक अध्ययन कर रहे हैं। क्षमा करें महाराष्ट्री, अजीत बच्चन महाराष्ट्री, मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या इज इट ट्रू दैट ये जो आपका जो कुल है, वल्लभ कुल है, या आप लोगों की जो कृष्ण भक्ति की जो परंपरा है आपके पूरे परिवार की, उस वो आप लोग सब जो है वो रिच मेंस गॉडमैन है? देखिए मंदिर में किसी को रोक नहीं होती भगवान के दर्शन करने की, और आप कहते हैं रिच मैन गॉड हैं और ये बातें, तो देखिए ये आपकी सोच हो सकती है। आप हमारे मंदिर में आइए, वहाँ देखिए, आप बहुत
सभी प्रकार के लोग होते हैं, जो भी ईश्वर को पसंद करता है, हमारे कष्ट को पसंद करता है, हमारे कष्ट के बालस्वरूप को पसंद करता है, हम सभी उनके साथ हैं। और मैं चाहता हूं कि अब मुझे थोड़ा इजाज़त दीजिए,